ओके दोस्तों, तो आइए अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जा रहे हैं। वो है ट्रैपिंग फिशेस। ट्रैपिंग फिशेस उसे कहा जाता है कि सामने वाले ओपोनेंट के पास वो पीस मूव करने के लिए कोई भी जगह नहीं रहती और आप डायरेक्टली माइनर पीसेस से उसके मेजर पीसेस को अटैक करके एडवांटेज ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी वाइट की पोजीशन वाइट का टर्न है और आप सोचो कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक का एक पीस ऑलरेडी सब जगह से ट्रैप मतलब सब जगह से पकड़ा गया हुआ है। ये जो नाइट है वो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मूव होगा तो भी वो मारा जाएगा, यहाँ पे मूव होगा तो भी मारा जाएगा, यहाँ पे मूव होगा तो भी मारा जाएगा। तो यहाँ पे वाइट के लिए बेस्ट मूव है अटैक द नाइट, और ये नाइट कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता और फिर वो बाद में मारा जाएगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे अभी हमें ये जो ब्लैक क्वीन है वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है और उसको मारने के लिए सिर्फ एक ही मूव है वाइट के पास, तो वो मूव खेल के ब्लैक क्वीन को पूरी तरीके से ट्रैप कर सकता है। तो आई होप कि आपने सॉल्यूशन सोच लिया होगा। नाइट टू A4। अब ये जो क्वीन है वो कहीं पे भी नहीं जा सकती, कहीं पे भी जाएगी वो अटैक में ही आएगी। तो यहाँ पे अगर ये जो पॉन है उसको मारती है तो भी वो रुक उसको मार देगा, यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती और यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो क्वीन के लिए अब बेस्ट ऑप्शन वही होगा कि अपना कोई सामने वाले को रुक मार के अपना क्वीन गंवा देना। ओके दोस्तों, सो इस पोजीशन में वाइट का टर्न है और हमें ब्लैक बिशप को ट्रैप करना है। तो आई होप कि आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा। B4। अब ये जो ब्लैक बिशप है उसको जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और फिर हम ये पॉन को प्रमोट करेंगे C5। अब ये ब्लैक बिशप कहीं पे भी नहीं जा सकता और फिर जो उसको मार के हम उसको बिशप अटैक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी वाइट का टर्न है और ये पोजीशन में हमें ब्लैक रुक को कुछ भी करके उसको ट्रैप करना है। तो ब्लैक के पास ये रुक को बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि ये नाइट ब्लॉक कर रहा है, ये पॉन भी उसको ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप E4 ताकि ये जो रुक है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो ब्लैक क्या कर सकता है बेस्ट वे, अपना नाइट डी यहाँ पे प्लेस कर देगा और फिर हम उसको नाइट मार देंगे और फिर वो उसके रुक को कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो इनडायरेक्टली उसका जो रुक था वो ब्लॉक था, वो ट्रैप था, लेकिन उसने अपना नाइट गंवा दिया वो रुक को बचाने के लिए। ओके, सो अभी ये पोजीशन में हमें ब्लैक क्वीन है वो ट्रैप हो चुकी है, लेकिन उसको पूरी तरीके से ट्रैप करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा वाइट के लिए। तो ऑब्वियसली रुक टू D8 चेक, ताकि सबसे पहले हम चेक देंगे ताकि ये जो किंग है वो यहाँ पे आएगा और फिर ये क्वीन सिर्फ यहाँ पे ही मूव हो सकती है और वो भी हम ब्लॉक कर देंगे रुक टू D7। अब ये जो क्वीन है वो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे भी जाएगी वो अटैक में आ जाएगी। तो यहाँ से उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा ये रुक को मार दिया जाए और हम फिर ये रुक से उसकी क्वीन मार के पूरी गेम जीत सकते हैं। ओके दोस्तों, सो आइए अभी ट्रैपिंग पीसीज के बारे में बात करेंगे। व्हेन यू अटैक द किंग एंड इट कैन नॉट बी एस्केप इट इज कॉल्ड एज अ चेकमेट। ऑब्वियसली कि आप किंग को अटैक कर रहे हो और वो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता तो उसको चेकमेट बोला जाता है। बट व्हेन यू अटैक द वन ऑफ द अदर पीसीज एंड इट कैन नॉट बी एस्केप इट इज कॉलिंग एज अ ट्रैपिंग पीस। तो अगर किंग की जगह कोई और पीसीस है, सपोज मान लो कि बिशप है, रुक है, नाइट है, क्वीन है,
उसको आप अटैक कर रहे हो और वो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता, तो उसको आप ट्रैपिंग पीस बोल सकते हो। इफ अ पीस हैज नो सेफ मूव व्हेन अटैक देन इट इज ट्रैप एंड कैन नॉट एंड इट कैन बी कैप्चर। सो ऑब्वियसली अगर जो पीस है, मेजर पीसेस है लाइक रूक है, नाइट है, फिर बिशप है, क्वीन है, और वो ट्रैप हो चुके हैं पूरी तरीके से और उसको मूव करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही, तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। तो ये थी हमारी ट्रैपिंग पीसेस की समरी।